को, युवाओं के लिए ये संस्कार बहुत जरूरी है। जैसे युवाओं को पता लगना चाहिए कि एक जिस दिन दूसरे दिन राम जी को राज्याभिषेक होना था, सिर्फ पिताजी के कहने पे उन्होंने वो वनवास चले गए, तो अपने पिता के मार्गदर्शन में रहें, पिता का आदर करें, जैसे राम जी करते रहे, अपने पिता का आदर किए, अपने प्रजा का आदर किए। तो इस तरह से एक संदेश बहुत जाना जरूरी है लोगों को। तो ये मेरी समझ से रामलीला का ये प्रचलन जो हम लोगों ने शुरू किया है, हम लोग इसको जारी रखेंगे। एक छोटा सा सवाल खाली आपसे भी, रावण दहन में क्या विशेष बताएं? नहीं, बुराइयों का दहन होता है। रावण जिस व्यक्ति का नाम था, जिस विद्वान का नाम था, वो कितना बड़ा विद्वान था उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रावण दहन होता तो कोई न कोई बुराई। मेरे लिए तो लगता है कि जम्मू कश्मीर में कई सालों से जो एक 370 का वो राक्षस था वो हटाया गया, तो इस बरस के जो रावण जला है, मुझे लगता है वो रावण जलने में हमारा धारा 370 हटने के बाद जैसे वो हट गया, वैसे रावण जल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। रावण को जलाने वाला हमेशा राम होता है, ऐसे में कश्मीर के 370 रुपी जो रावण था उसको नरेंद्र मोदी जी ने जलाया है, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी? इस देश की एक अलौकिक परंपरा है, इस देश की परंपरा में कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई व्यक्तित्व होता है जो व्यक्तित्व हम लोगों को प्रेरणा देता है। मैंने भी लगभग 40 से 43 साल की कांग्रेस पार्टी की इसमें काम करते करते एकाएक विचार मेरे मन में नहीं आया, ये ईश्वर का ये था कि नहीं तुम अच्छे काम में भी थोड़ा ये करो, और मुझे लगा मैंने छोड़ दिया। इसलिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सब ईश्वर की कृपा होती है, और जिन जिन लोगों ने इसको करने में किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग उसके आशीर्वाद के सहभागी हैं, इसी ढंग से बुराइयाँ खत्म हों, अच्छाइयाँ शुरू हों। रावण जले तो मुझे लगता है, लोग कह रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, इतना बरसात हुई, लोग कहें रावण इस बार जल के नहीं मरेगा, डूब के ही मरेगा, इस ढंग की बात थी। किसी तरह मरे, लेकिन मरे, इस देश की जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो मरे, किसी भी तरह मरे, रावण के रूप में मरे, जला के मरे, डूब के मरे, लेकिन हमारे जो देश हित के विरुद्ध है वो जरूर मरे और जल्दी मरे। बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ आपने भी कुछ मनोकामना मांगी होगी, क्या कुछ अपने मनोकामना मांगा? एक ही मनोकामना मन में है कि मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं होने पाए, और जब मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं होगा तो अच्छे काम होते हैं। इस दशहरे पर आम जनता यहाँ के मुंबईकर को क्या संदेश देंगे? यही संदेश, जो संदेश हमको मिला है, जो हमारे बुजुर्गों दिया है, यही संदेश है कि रामलीला मंचन जो कई सालों से कर रहे हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे जी और उनके मंडल के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ कि जो हर साल लोगों के बीच में हमारी जो संस्कृति है, हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण है, उसके एक एक वाक्य, एक एक शब्द हमको प्रेरित करते हैं, ये प्रेरणा लोग लेके जाए, और कभी भी बुरे काम नहीं हों और अच्छे काम होते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि रावण रोज जलेगा, और जो रावण जलेगा तो मुझे लगता है दशहरे दिन जो रावण जलेगा तो एक बड़ा अलग ढंग का रावण जलेगा, जिसमें बुराइयों का खत्म होगा और अच्छाइयों का प्रकाश होगा। रामायण के मंचन के दौरान रावण लक्ष्मण को एक प्रसंग बता रहे थे कि उनको वो जो अच्छाई होती है वो जल्दी कर लेना चाहिए, ऐसे में ऐसा आप कामना करते हैं कि श्री राम मंदिर जो बनने वाला है वो क्या जल्दी हो जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रलंबित है, मेरी दिली इच्छा है सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द फैसला दे दें।